तो इस वीडियो में कतर का दो अपडेट के बारे में बताने वाला हो, कतर का लेटेस्ट दो न्यूज के बारे में बताने वाला हो। एक है वीसा लेकर बहुत बड़ा के अपडेट आया है, और अपडेट आया है क्या पहले जनवरी से कतर में क्या सैलरी ज्यादा होने वाला है, क्या सैलरी ज्यादा हो सकते हैं। तो ये दो न्यूज के बारे में अपडेट देने वाला हो। तो पहले बताओ कतर का वीसा न्यूज के बारे में, क्या कतर का जो वर्क वीसा है क्या इंडिया वाले के लिए ओपन है। देखिए एक्चुअली कतर का जो वर्क वीसा है इंडिया वाले के लिए बिल्कुल ओपन है। कतर का जो किवीज सेंटर इंडिया में है, वो किवीज सेंटर में कॉल किया है, वो लोग बताया है कतर का वर्क वीसा बिल्कुल ओपन है। और कतर का जो वीसा का ऑफिशियल वेबसाइट है कतर में है, उस ऑफिस में मैं मेल भी किया है, उस मेल से आंसर मिला है कतर का वर्क वीसा बिल्कुल ओपन है। इसमें हिंदू लोगों सिख लोगों लेके वीसा नहीं मिल रहे, इस तरह सा वो लोग नहीं बता रहे। तो वो लोग बोले कतर का वर्क वीसा इंडियन वाले के लिए बिल्कुल ओपन है। मैं बहुत कोशिश किया है हिंदू लोग और सिख लोग को अपडेट जाने के लिए, लेकिन अपडेट तो नहीं मिला। लेकिन एक भाई कमेंट किया है कतर का वर्क वीसा के हिंदू भाई को मिला है, वो भाई का फ्लाइट भी हो गया है, सिर्फ 4 दिन हुआ है वो भाई कतर में गया है। तो कतर का वर्क वीसा हिंदू लोग को भी मिल रहे हैं, लेकिन बहुत ही कम मिल रहे हैं। सफिशियंट दो एक कंपनी का मिल रहा है, लेकिन मुस्लिम लोग के लिए थोड़ा तो मिल रहा है, लेकिन फिर भी मुस्लिम लोगों को वीसा भी कैंसिल हो रहा है, सस्पेंड हो रहा है, बहुत से रीजन से वीसा रिजेक्ट भी हो रहा है, और भी बहुत से रीजन से वीसा क्लोज भी हो रहा है। लेकिन कतर का वर्क वीसा बिल्कुल इंडिया वाले के लिए ओपन है। तो अभी बताता हूँ कतर का जो सैलरी लेके बहुत बड़ा जो न्यूज आप लोग सुन रहे हैं, कतर का वर्कर लोगों का सैलरी 2025 जनवरी से क्या सैलरी बढ़ जाएगा, सैलरी इंक्रीज होगा, इस तरह से खबर आया कि नहीं, पहले आप लोगों को सुनाता हूँ। As of now, there is no official announcement indicating that the labor salaries in Qatar will increase specifically on January 1st, 2025. However, Qatar has implemented significant labor reforms in recent years, including a minimum wage law introduced in 2021, which sets a base salary of QR 1,000 per month plus allowances for food, QR 300, and accommodation, QR 500, unless these are provided by the employer. These reforms have benefited over 400,000 workers and are part of Qatar's commitment to improving labor rights and working conditions 11 source, 12 source. If there is any official update or new legislation about salary increases in 2025, it would likely be communicated through the Ministry of Labor or reputable news outlets. For the latest details, you can consult the Ministry of Labor in Qatar और ट्रस्टेड न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स 13 सोर्स। तो आप लोग सुन लिया है, इसमें क्लियर कट बोल रहे हैं, अभी तक इस तरह से कोई न्यूज नहीं आया है। तो कतर मिनिस्टर तरफ से इस तरह से अपडेट नहीं आया है, जैसे इस तरह से अपडेट आएगा जरूर आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन अभी तक ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, इस तरह से अलाउंस नहीं हुआ है, जैसे इस तरह से न्यूज आएगा जरूर आप लोगों को बताऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ दोनों अपडेट के बारे में थोड़ा जानकारी मिल गया है, और वीडियो से थोड़ा सा जाने थोड़ा सा अच्छा वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इसी तरह हेल्पफुल फीचर्स मिलता रहेगा।